खुशियों हम नशी, झूले मेरे दिल की जमीन। इस दिले मगरूर का अब हम सफर कोई नहीं। हेलो हाजी, बाहर आना, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हुआ, खाना खाया तुमने? हाँ, रूखा फीका पचाय का खाना। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अंदर, जाओ रेस्ट कर। तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पे सुकून की नींद आएगी? इधर इनकी दीवारों से दहशत हो रही है मुझे, जगह जगह बंदूकें लटकी हुई हैं। मैं, यहाँ का कल्चर है, यहाँ के लोग इसी तर्ज पे जीते। तो तुम्हें क्या जरूरत थी इनके तर्ज में मुदाखलत करने की? अच्छा खासा हम लोगों का अरेंजमेंट हुआ हुआ था, क्यों ले आया तुम हम लोगों को यहाँ? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? इस इलाके से है या खजस्ता के घर में रहने से? अगर तुम समझ चुके हो तो अकलमंद हो। याद है मां, तुमने एक दफा खुद ही कहा था कि अगर नौबत यहां तक आ गई तो तुम साथ दोगी मेरा। इसका मतलब कि तुम मानते हो? हाँ मैंने कहा था, लेकिन मुझ में इतना जर्प नहीं है हादी कि मैं उस पर पूरा उतर सकूं। तुम क्यों मुझे आजमा रहे हो? कोशिश तो करो, क्या पता जर्फ पैदा हो जाए। कर लेती हूँ कोशिश। लेकिन तुमने उसके मंगेतर को नहीं देखा? कैसा जंगली इंसान लग रहा था। हादी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके इसी जमीन में दफना देगा तुम्हें। हादी प्लीज समझो, चलो यहां से प्लीज। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस वो कल का प्लान डिस्कस कर रहे थे। चले आयमा, फिर आप मेरे साथ जनान खाने में चल रहे। क्यों? मुनासिब नहीं है। आप ऐसा करो, आप मेरे कमरे में आ जाओ, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। खजिस्ता, तुम लोग रात के इस पैर यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर चलो। वो कायल लगवा दिया है, मच्छर भी नहीं होंगे। आप चलो मेरे साथ आ जाओ। अभी अभी शहर से आया, तुमको ठंड लगेगा। चौशा बस अंदर चलो। आ जाओ मैं।
जी जी बहराम खान ही बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहबा, मैं इतना जल्दी लोगों को नहीं बोलता। बड़ी मेहरबानी आप, क्या आपने मुझे याद रखा। अब हमसे दोस्ती करके हमारा दुश्मन का घर बैठे, हमें मेजबानी का शर्फ नहीं बख्शेंगे। हमारी मजबूरी है इधर रुकना। अच्छा मुझे आपसे काम था। आप हुक्म करो। याद है आपने कहा था कि अगर मुझे किसी मदद की जरूरत हुई तो आप जरूर करेंगे। आप बोला था और ये भी बोला था कि खजस्ता के हवाले से करेंगे। आप हुक्म करो क्या करना है। शहर का लोग भी बहुत छोटा जिगर का होता है, इतना छोटा सा काम को कोई बड़ा बोलता है। अच्छा ये ले लो, कुछ और चाहिए तो मुझे बताना। काला अब्बा क्यों बैठे हो, इधर आओ, आपका नंबर आ गया। काला आप अंदर आ जाओ, चलो तुम लोग देख लो, कुछ और चाहिए मुझे बताना, ठीक है। ये लो पकड़ो, देख लेना मैं आ गई। सुनो अंदर जाओ, जाके मैंने जो मेडिसिन मंगवाई है वो देखो आई है कि नहीं। उबैद इनको छोड़ो, तुम यहाँ पर आओ, अपनी एंट्री करवाओ, जल्दी आओ। पेशेंट अभी मैं इनको देख लूंगी, आप यहाँ पे बैठे रहो, मैं डॉक्टर को भिजवा रही हूँ। तुम इधर बैठो, अपनी एंट्री करो। माहम इधर आओ, इनकी हेल्प करो, मैं डॉक्टर को भेज रही हूँ, हेल्प करो, देखो सही कर रहा है कि नहीं। इरम आप भी जाओ, शाबाश, अंदर जाओ, जाके देखो मेडिसिन आई है कि नहीं। दिल में दर्द है, पेट में दर्द है, सब जगह दर्द, यहाँ तो फोन है। खजिस्ता इधर आइएगा। जी डॉक्टर आएंगे। आपने चाय का कह दिया? हाँ वो मैंने घर पे खाया, अभी कोई लेकर ही आता होगा। ठीक है, उस टेबल पर आपकी बहुत जरूरत है, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है और पेशेंट्स का बहुत रश लगा हुआ है, जल्दी से वहाँ चली जाए। वो तो मर्दाना टेबल है। तो क्या वो मर्दाना है? तो आप डॉक्टर हैं खजिस्ता, और मेडिकल में आप जानती हैं कोई मर्द और औरत नहीं होती, सब पेशेंट्स हैं। ठीक है जल्दी से जाएं और वहाँ पे कवर करें सबको, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर हादी भी वहीं पर आ रहे हैं, बस वो कुछ पेशेंट्स को देख लें फिर। ठीक है जल्दी से जाओ, सबको कवर करो, आज सारा काम ख़त्म करना है हम लोगों। वेरी गुड, जाओ। Thank you.
और कह रही थी जाते हुए मुझे भी डिस्पेंसरी छोड़ जाना। क्यों, अब तुम्हें क्या मसला? इसीलिए तो भिजवा रही है कि शायद डॉक्टर नहीं कोई मसला बता दे। कान कान बताओ ना, मुझे भी लेकर जा रहे हो कि नहीं? एक मिनट, तुम तो चुप करो। ओ दरगज़ई, आज टिम्बर पर बैठक है, माल का काफी झगड़ा, तुम भी चलो हमारे साथ। लाला, वो खजिस्ता ने बोला है कि डिस्पेंसरी में किसी डॉक्टर ने को चाय माय पिलानी है, आप चलो मैं वहीं आता हूं। कान एक बात कहूं, बुरा ना मनाना, बहुत जल्द खजिस्ता डॉक्टर नहीं बनकर आ जाएगी और ये दीवाना दिन रात चाय पहुंचाता रहेगा। सैफ खान का बेटा और काम चाय वाला, ऐसे घूर कर मत देखो कान, मामले को समझो। अब इसका अस्पताल चलेगा कि सैफ खान का इलाके में डाक, अब वाकई इन दोनों का जोड़ नहीं बनता है। बेहतर है तुम इसको शहर भेज दो और अपना भाई और इज्जत दोनों बचाओ। ये तुम कह रही हो जो खजस्ता के शहर जाने की सबसे बड़ी मुखालिफ थी? तब थी, जब मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो डॉक्टर बन जाएगी। और जो कुछ कल देखा मैंने, मशवरा दे रही हूँ, इन दोनों को इनके मकाम पर रखो और अपनी कानदानी इज्जत की नाक की फिक्र करो। इसको जान प्यारी नहीं है, क्या बात है बहराम, क्यों रोका? तुम ये किधर चाय का खोखा लेके घूम रहे? तुमसे मतलब, तुमको क्या काम है मुझसे? काम तो अब सारा खत्म हो गया खान, अब तो बस सुकून ही सुकून है। लगता कोई लंबा नशा कर लिया जो हमेशा के लिए सुकून ही सुकून है। नशा ही समझो मड़ा, अभी ये अपना चेकअप करवा के आ रहा है। तुम्हारा घर का औरत क्या नबज पकड़ता है? खुदा का कसम दिल मोटी में आ गया। क्या बकवास कर रहा है बगैरता, क्या बोल रहा है? गुस्सा क्यों करता है मड़ा, जाकर देखो डिस्पेंसरी में, सारा गांव उधर मौजूद है। तुम जनान खाने में गया है, मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओ लाले दी जान, इंसान का बच्चा, हम नहीं घुसे जनान खाने में, वो आया बैठा है मर्दों को चेक करने। जाओ देखो, पीछे हटो, तुमको तो बाद में देखेगा। मैं ये चीज अभी मजा आएगा, हम भी देखते हैं इसका मंगेतर कैसे डॉक्टर रानी बनते। आबा जी, हटो,
ये क्या बदतमीजी है, क्या कर रहे हो तुम? मुझसे पूछ रही हो मैं क्या कर रहा हूँ? तुम क्या कर रही हो? क्या बेगैरती फैलाई है तुम लोगों ने? क्या ये सब? क्या हुआ, सब ठीक है? वो तुम कौन हो? वो हटो, चलो यहाँ से, चलो। क्या बदतमीजी है ये? मैं तुमको बताऊ क्या बदतमीजी है? बदतमीजी बेगैरती तो ये जो तुम कर रहे हो। तुमको इस बेगैरती के लिए हमारा इलाका मिला था। ये इलाका तुम्हारा होगा लेकिन जगह तुम्हारे बाप की नहीं है। गवर्नमेंट ने स्पेस अलॉट किया हमें, परमिशन से काम कर रहे हम लोग यहाँ। जगह मेरे बाप की है, गवर्नमेंट से पूछो किससे दिया जगह उसको। कर जाओ फिर बात करते जाओ। हटो यहाँ से, चलो। नहीं जाएगी ये आपके साथ, ये हमारे साथ आई और हमारे साथ ही वापस जाएगी। पीछे हटाओ, बोलते कौन हो हमारे खानदानी मामलात में दखल अंदाजी करने वाले? हटो। मैं जो भी, लेकिन तुम सीधी शराफत से यहाँ से चले जाओ। मैं तुमको बताता हूँ शराफत क्या है, बताओ। एक सेकंड यार, वेट, क्या हो गया? गोली मारेगा मुझे ये? वेट। हाँ गोली मारूंगा। तो मार। तू मेहमान है हमारा, मेहमान है इसलिए तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, वरना अभी अभी यहीं पे तुम्हारी लाश गिराऊंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? गोली चलानी है तो मेरे ऊपर चलाओ, इसको क्यों मार रहे हो? लेकर चलो, कहाँ लेकर जाओगे तुम? फरिश्ता, आप कहीं नहीं जाएंगी। चलो चलो फरिश्ता, लेकर चलो फरिश्ता, चलो लेकर। हाथी जाने दो। क्या हो गया यार? रिलैक्स फरिश्ता, फरिश्ता। Relax, yaar. I'm fine. जान, तुम क्या जासूसों की तरह हमारे इलाके में पड़ता है? इतनी दफा तुम्हें कहा है कि यहाँ मुझे नजर मत आया करो। मैं आपको खबर देने आया था। क्या नाम है दिलावर खान की बेटी के बला? बस मुझसे कोई घटिया बात मत निकालना। ये मत समझना कि सैफ खान बूढ़ा हो गया है, अभी भी इन हड्डियों में इतना ताकत है कि तेरे जैसों को सबक सिखा दे। पुपाजान, मुझे क्या पड़ा कोई घटिया बात करने का? उधर अक्सई ने उसको कुछ मेडिकल कैंप में गलत करते देखा है, मारता पीटता लेके जा रहे उसको। तुम जाओ, जल्दी जाकर देखो। अगर तुम्हारा बात झूठ निकला ना, खुदा का कसम तुमको छोड़ेगा नहीं मैं। वाह खाना वाह, इस सैफ खानदान को अगर इसी के हाथों ना खत्म करवाया तो बहराम खान नाम नहीं हमारा।
صاحب خاندان کا تو ایسی کا تیسی किया तुमने दरख्ज़ई? संभालो इसको, खानदान की बानी बनाई इज्जत दो मिनट में बर्बाद कर दी। कुछ हमें भी तो बताओ क्या किया हमारे बच्चे ने? ये पूछो क्या नहीं किया इसने? बोलती है डॉक्टर बनना है, औरतों का इलाज करना है, और वो भी मर्दों के नब्ज पकड़ के बैठी थी। बेशर्म है, बेहया लड़की। बस करो, बस बस। अगर तुमने मेरे किरदार के बारे में एक और लफ्ज बोला ना, मैं बहुत लाश लूंगी तुम्हारा। चुप कर। ये क्या किया? खून निकल रहा है हमारे बच्चे का। कोई हाथ नहीं लगाएगा मुझे, कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। मेरे माँ बाप मर गए, सब मर गए, तभी इस जानवर को मेरे सर पर मुसल्लत किया। अच्छा ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलो। नहीं हूँ मैं बच्चा, ये आपका बच्चा। और तुम अब मेरे सामने मत आना, तुम्हारी सूरत से नफरत होती है मुझे। जो जलालत तुमने मुझे सबके सामने बख्शी है ना दरअज़ाई, अल्लाह पूछेगा तुमसे, दिखाएगा अल्लाह तुमको। ये तुमने क्या किया दरअज़ाई? मैंने जो किया सही किया, अब तुम जाओ उसका जख्म देखो। जी ठीक है, खुदा हाफिज। हादी प्लीज समझने की कोशिश करो। तो और क्या करते? देखा नहीं था तुमने उस जंगली को? अगर वो खजिस्ता को नुकसान पहुंचाते था तो? रो रही थी यार, वो कितना परेशान थी खजिस्ता। तुम दिल के हाथों मजबूर होकर ये बोल रहे हो ना? प्लीज आयमा, मैं किसी भी फजूल बात के मूड में नहीं हूं यहाँ पे। ये ट्रिप मैंने अरेंज करवाया और यहाँ की हर एक लड़की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। लेकिन तुम उसको अकेला नहीं छोड़कर जा रहे हो, वो अपनी फैमिली के साथ है, उनकी पनाह में है। क्या बात कर रही हो तुम? वो कहीं से तुम्हें अपना लग रहा था उसका? उसकी हरकत देखी थी तुमने? जंगली है वो, पागल है वो, उसका मंगेतर है आदि। खुदा नहीं है लेके, और मैं देखता हूँ किस तरह नुकसान पहुंचाएगा वो। मेरी बात सुनो आदि, हम लोग अभी उन लोगों के इलाके में मौजूद हैं, और सिर्फ खजिस्ता ही नहीं, मैं और बाकी लड़कियां भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, तो? तो कल को उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचा दिया तो क्या करोगे तुम? प्लीज हादी, मेरी इज्जत को रिस्क मत डालो, मुझे अपनी मोहब्बत की भेंट मत चढ़ाओ हादी। तुमसे कुछ पूछ रहा हूं दरअसल, ये तुमने क्या तमाशा लगाया था मेडिकल कैंप? बोलो, जवाब दो।
ये आप सब बातें मुझसे क्यों पूछ रहे हो? दाजी कभी उससे भी तो पूछो उसने क्या किया है। वो गैर मर्दों के सामने क्या कर रही थी, वो क्या बैठी कर रही थी, आप बोलो मुझे बताओ। दाजी दाजी क्या कर? दाजी मैं समझाता हूं ना इसे। समझने समझाने का वक्त क्या? वो बदबख्त, अगर वो कुछ गलत कर रही थी तो तुमने शोर डाल कर सारे इलाके को बता दिया ताकि हम किसी से नजर ना मिला सके। तो क्या करता वहां पे तुम बताओ लाला, क्या करता? बेगैर तो की तरह देखता रहता क्या? आवाज नीचे करो दाजी, आवाज नीचे करो दाजी, आप बैठ के बात करें ना। क्या बात करेंगे, सारा इलाका हम पे तू तू कर रहा है, कह रहे कि दिलावर खान का बेटी ने पता नहीं क्या कर दिए है, सब लोग मेरे मरे हुए भाई पर उंगली उठा रहे हैं। वो लड़की क्या है, बोले कहा है? वो अपने कमरे में है। दाजी दाजी आप रुको, मैं बात करता हूँ उससे, मैं सारा मामला संभाल लूंगा, आप तहम्मुल तो रखो। अगर हलाल का औलाद है ना तो चुल्लू पर पानी ले और उसमें डूब मराओ। सारे इलाके में डिडोरा पीती है कबख्त राजी पारा सबारा मरा डिडोरा पीती है सारे। कड़ी कड़ी देख क्या रही, जाओ दाजी को पानी पिलाओ। डॉक्टर हादी प्लीज, डॉक्टर हादी आप ही कुछ करें, सब खड़े तमाशा देख रहे हैं। खजिस्ता को मैं कब से फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रही, मुझे इतनी टेंशन हो रही है। हो सकता है उसका फोन ऑफ हो, उसके मंगेतर के पास हो। मुझे इस वक्त खजिस्ता के पास होना चाहिए था, मैं जाऊंगी, मैं उसके घर वालों को समझाऊंगी, वो बिल्कुल बेकसूर है। आप लोग तो जानते हैं खजिस्ता कितनी मासूम है, आप प्लीज कुछ करें डॉक्टर हादी, कुछ करें प्लीज। आप फिक्र ना करें, मैंने पुलिस से बात कर ली और डैड को भी बता दिया। क्या तुमने अंकल को बता दिया? क्यों, वो परेशान होंगे। तो और क्या करता, अगर मामला सीरियस हो जाता तो बेचारी बेगुनाही में मारी जाएगी। और आप, आपको क्या जरूरत थी कि आप खजिस्ता को मेल सेक्शन में भेजें? आप किसी को भी कह सकती थी, आप मुझे कह देते। अगर आपने ये नहीं किया होता ना तो बात यहां तक नहीं आती। What? तुमने उसको वहां भेजा था? हाँ हादी, मतलब मैं और क्या करती, वहाँ इतना रश था और रश जमा करती क्या, मैंने सोचा हम सब मिलजुल कर काम करेंगे इसलिए मैंने भेज दिया उसको। कम ऑन एम प्लीज यार, तुम फैमिली बैकग्राउंड जानती हो ना उसका, जानते हुए भी तुमने उसको वहाँ पे भेज दिया, क्यों? मेरे ऊपर गुस्सा मत करो, मेरा कोई कसूर नहीं है। तो फिर और क्या करूं, हम पांच लड़के थे आए, हम में से किसी को भी बता देती तुम, जरूरी है तुमने खजिस्ता को वहां पे भेजना था। हादी मैं उनसे मिल चुकी हूँ, पूरी फैमिली मुझसे कितने अच्छे से मिली थी, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो लोग इतने तंग जहन होंगे। अपनी बेटी को शहर पढ़ने के लिए भेजा है लेकिन इतने कंजर्वेटिव हैं वो लोग। खामोश है, नाउ नॉट अ सिंगल वर्ड। आई एम सो सॉरी हादी, literally I'm so sorry. तुम कहो तो मैं उसकी फैमिली के पास जाते, उन सबके सामने माफी मांगूंगी, सबको क्लियर करूंगी, मैं उसके पांव भी पड़ने को तैयार हूं, मैं माफी मांगूंगी उससे कि मेरी गलती है। हादी प्लीज मुझसे नाराज नहीं, गुस्सा मत हो प्लीज। Thank you.
खजस्ता बाहर आओ। बच्चे बाहर आओ, बात करनी है। खजस्ता बाहर आओ जल्दी। सबीका, सबीका, अरे कहां रह गए हो भाई? जी क्या हुआ? मैं वो जरा आदि लोगों के पास गाँव जा रहा हूँ। क्यों एकदम से इस तरह? वो बच्ची है ना, क्या नाम है उसका, खजिस्ता, उसकी फैमिली का कोई इशू हो गया, वो आके लड़ झगड़ के उसे ले गए। शरियार उनकी बच्ची, अगर वो ले गए तो उनका मसला है ना, आप क्यों बीच में पड़ रहे हैं? क्या मतलब है उनकी बच्ची है, स्टूडेंट है वो मेरी, इस तरह की ट्रिप से कैसे ले जा सकता है? तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी आ जाऊंगा वापस। आपको क्या जरूरत है उलझने की? बजाय इसके कि आप हादी को वापस बुलाएं, आप खुद वहां जा रहे हैं। मैं किसी से उलझने नहीं जा रहा, जो हादी ने जो कुछ बताया है मैं उन्हें जाके क्लियर कर दूंगा, वो समझ जाएंगे, और अगर नहीं समझते तो तरीके से आके अपनी बच्ची को लेके जाएं, सिंपल एज दैट। मुझे आइडिया बिल्कुल आपका पसंद नहीं आ रहा, इट्स जस्ट टू रिस्की, आयमा वहाँ है, दूसरे बच्चे हैं। इसीलिए तो जा रहा हूँ, तुम परेशान मत, कुछ नहीं, मैं जल्दी आ जाऊँ। ओके, यू टेक केयर ऑफ यू सर। बिलीव दिस, आदि your phone. जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। क्या जवाब दो? अगर आपको लगता है कि मैं बदकिरदार हूं तो जो सजा बनती है वो तो है। खजस्ता मेरी तरफ देख के बात करो। क्या बात करूं? ये कि मैं एक डॉक्टर होकर उस मरीज का गला क्यों चेक कर रहे थे? दरोजा ही ने मारा है तुम्हें, कहां लगी है चोट? मत हाथ लगा, शानजे बाबी ने देख लिया तो वो भी दरगजाई बन जाएगी। मेरे जैसों के बारे में बात करना बहुत आसान है। बच्चे क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही, आज जिंदगी में पहली बार दिलावर खान बहुत याद आ रहा है। ऐसे तो मत बोलो खजस्ता, हमने आज तक तुम्हें चाचा चाची की कमी का एहसास होने नहीं दिया। उन्हें देते लाला, ताकि मुझे ये पता होता कि मैं यतीम महकम लड़की, मुझे सारी जिंदगी सर झुका के चलना सीखा। ऐसे अमरोज़े लाल तराश है। जी मामा, सब कुछ तो बता चुका हूँ आपको, एवरीथिंग इज ऑल राइट। जी मैं भी ठीक हूँ। जी जैसे ही डैड आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप फिक्र ना करें, आप प्लीज अपना ख्याल रखें और सो जाएं। जी अल्लाह हाफिज़।
मैंने तुमसे कहा था ना हादी कि उनको परेशान करने से बेहतर है कि हम सबको यहाँ से वापस लेके चलो। बेशक खजस्ता की जान चली जाए। हादी तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, ये उनकी फैमिली का मामला है। तुमने खाना भी नहीं खाया, चलो आओ खाना खाओ। नहीं खाना खाना यार मुझे। और तुम क्या कर रही हो यहाँ पे, जाओ जाके आराम करो सारी लड़कियों के साथ। तुम यहाँ पे इतने परेशान घूमते फिरो और मैं वहां जाके सुकून करूं? तुम जानते हो मैं कभी नहीं कर सकती ऐसा। वो यहाँ पे लेने क्या आया था? कौन? प्लीज आई माया, दिमाग ना खराब करो मेरा, पहली डिस्टर्ब। जाओ जाके आराम करो, खाना रख दूंगी, खा लेना आगे। दिले मगरूर का अब हम सफर कोई।